उत्तराखंड के चुनाव संपन्न हो चुके हैं, लेकिन इस चुनाव में उत्तराखंड की सियासत में बहुत से बदलाव दिखे हैं। कुछ लोग भी बदले हैं और सियासी हलकों में यह चर्चा जोरों में है कि अब उत्तराखंड में भी चुनाव लड़ना हर किसी के लिए आसान नहीं रहा है। देवभूमि में सीट निकालने या फिर मुकाबले में बने रहने के लिए पैसा पानी की तरह बह रहा है और बहता हुआ नजर भी आ रहा है। रिपोर्ट आप देखिए। उत्तराखंड में चुनावी रड़ब खत्म हो गया है, प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में बंद हो चुकी है। इस बार उत्तराखंड का चुनाव रोचक होने के साथ साथ बहुत उलटफेर वाला दिखा है, क्योंकि यहां बड़े चेहरे दल बदलते नजर आए। जहां किसी ने हाथ से कमल थामा और किसी ने कमल की तरह झाड़ू थामी, तो किसी ने झाड़ू की तरह हाथ को थामा। लगभग सभी दल संघर्ष करते नजर आए। चिंता का विषय ये है कि इस बार चुनाव में उत्तराखंड का क्षेत्रीय दल सिमटता नजर आ रहा है। जिस दल को कहीं न कहीं खड़ा होना चाहिए था, वो दल केवल दो या तीन सीटों पर संघर्ष करता नजर आ रहा है। इसी क्रम में देखें तो लोगों के बीच आम आदमी पार्टी को लेकर बड़ी चर्चा थी और वास्तव में वो चुनाव में सक्रिय दिख रही थी, लेकिन जैसे चुनाव हुआ उसकी लड़ाई भी चंद सीटों तक सिमटती दिख रही है। कुल मिलाकर यदि चुनाव को देखा जाए तो ये चुनाव भी सीधा सीधा बीजेपी और कांग्रेस के बीच होता नजर आ रहा है। यहाँ एक चौंकाने वाली बात ये हो सकती है कि बसपा इस बार कोई बड़ा खेल करती दिख सकती है। बीजेपी को देखा जाए तो यहाँ बहुत कुछ नयापन नजर आया है। सियासी हलकों में चर्चा है कि इस बार चुनाव में पर्दे के पीछे संघ की भूमिका खास रही है। इस बार आरएसएस ने संकट मोचन की भूमिका निभाई है। जिस तरह बीजेपी के संगठन महामंत्री बीएल संतोष उत्तराखंड को लेकर खासे चिंतित दिखते थे और उन्होंने अपने दौरों को प्राथमिकता में रखा, साथ ही उत्तराखंड के संगठन महामंत्री अजय कुमार को भी लगातार पूरे उत्तराखंड में सक्रिय देखा गया। इस कारण कहीं न कहीं संगठन कार्य करने को लेकर तत्पर दिखा। संघ की सक्रियता के कारण बागी भी काफी हद तक नियंत्रण में रहे, लेकिन चुनाव के एकदम बाद ही गुटबाजी जरूर नजर आई। आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ। गुटों की लड़ाई कोई नई बात नहीं, गुटों की लड़ाई उत्तराखंड में पहले दिन से ही हावी रही है। इस बार के चुनाव में संघ का प्रबंधन रंग लाता नजर आ रहा है। सियासी हलकों की चर्चा पर गौर करें तो यह संघ की ही नीति थी कि सभी बड़े चेहरे और मंत्री अपने अपने जिलों और विधानसभा क्षेत्रों में पूरी ताकत लगाएं, जिसका परिणाम ये हुआ कि चुनाव के समय आपसी गुटबाजी की चर्चाएं न होने के कारण चुनाव कांटे का होता नजर आ रहा है। वो कहीं ना कहीं संघ की ही ये रणनीति काम करती नजर आ रही है। इसके अलावा ये भी गौरतलब है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह तमाम सियासी गद्दावर नेता उत्तराखंड में मोर्चा संभालते हुए दिखे। बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, तीरथ सिंह रावत और सांसद नरेश बंसल सभी पार्टी के लिए सक्रिय भूमिका निभाते नजर आए। बीजेपी के सांसदों ने अपने अपने क्षेत्रों में जोरदार प्रचार किया। ये जरूर है कि इस बार बीजेपी सांसदों ने भी चुनाव में अहम भूमिका निभाई है। अब बात करें कांग्रेस की, तो यहाँ भी इस बार जिस तरह शुरू में गुटबाजी नजर आ रही थी, चुनाव आते आते वो गुटबाजी नहीं दिखी। सभी कांग्रेसी नेता चुनाव में जोर शोर से जुटते दिखे। कांग्रेस के पास स्टार प्रचारक के नाम पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, हरीश रावत, प्रीतम सिंह, भूपेश बघेल, सचिन पायलट और चरणजीत सिंह चन्नी, देवेंद्र यादव और रणदीप सुरजेवाला जैसे नेताओं का ही सहारा था, लेकिन उसके बाद भी कांग्रेस प्रचार में डटी नजर आई और इसे कांटे का मुकाबला बना दिया। कांग्रेस ने कुछ अभियानों को जोर शोर से चलाया। इस बार कांग्रेस का कार्यकर्ता उत्साह से लबरेज नजर आया। शायद यही वजह है कि कांग्रेस नेता अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे हैं। ये तो 10 मार्च की तारीख ही बताएगी कि जनता ने विजयी भव का आशीर्वाद किसे दिया और किसका राज तिलक होने जा रहा है। जिस तरह अन्य राज्यों में चुनाव के समय धन बल की बात कही जाती थी, ऐसी कुछ चर्चाएं उत्तराखंड में चुनाव में सुनने को मिली हैं।
जो आगे की सियासत में चिंता का विषय बन सकती हैं। ये प्रवृत्ति आगे उत्तराखंड को गलत दिशा की ओर ले जा सकती है। उत्तराखंड के लोगों ने सियासत या सामाजिक हर पहलू पर हमेशा विवेक का इस्तेमाल किया है। उन्होंने वोट किसी को भी दिया हो, लेकिन इस बात का ख्याल रखा है कि सियासत यहाँ के वातावरण को खराब ना करे। उत्तराखंड के लोगों को देवतुल्य और समझदार माना जाता है। यहाँ शिक्षा का प्रतिशत ऊंचा है, इसलिए यहाँ की राजनीति दूषित ना हो, उन्हें इस तरफ चिंतन मनन करना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10।